नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दिसंबर के महीने में लौकी के खेती हम किस प्रकार से करें। तो जानेंगे कि इसकी मिट्टी के पीएच मान कितना होना चाहिए, जब बीज अंकुरित होने लगे तो मिट्टी का तापमान कितना होना चाहिए, और बात करेंगे कि टॉप बेस्ट वैरायटी के बारे में कौन सी लगाए और कौन कौन सी उर्वरक डाले, और बात करेंगे कि खेती की तैयारी हम करते समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन दबा ले। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी बुआई कर रहे हैं, लौकी की खेती कर रहे हैं, तो उस समय पहले खेती की संपूर्ण अच्छी तैयारी होनी चाहिए, जिसके कारण बीज अंकुरित होने में बहुत कम समय लगे और 100 में से 100% हमें बीज अंकुरित होके बाहर निकल सके। तो खेती की तैयारी आपको 2 से 3 बार कल्टीवेटर से करवा देनी है। उसके बाद उसमें जो खरपतवार होता है उसे हम नियंत्रण कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद कुछ दिन उसमें हवा लगने देंगे और उसमें सरी हुई गोबर खाद पदार्थ 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ में डाल देंगे। और बात कर लेते हैं मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7 पॉइंट तक अच्छी होती है, और इस समय मचान वृद्धि से ही आप लौकी की खेती कीजिए ताकि आपको लंबी समय तक इससे इनकम आ सके। और बात कर लेते हैं सबसे मेन जो पॉइंट है, आपको जब बीज बुआई करते हैं तो उस बीज को आपको बीज उपचारित अवश्य कर लेना है। साफ जो कंपनी के आती है उससे आपको बीज उपचारित कर लेना है। 1 kg में 2 ग्राम लेना है बीज उपचारित के लिए। और उसमें बात कर लेते हैं खाद पदार्थ, आपको 1 एकड़ में 20 से 25 kg यूरिया और DAP ही मात्र डालना है। DAP का डोज हम बात कर लेते हैं 30 से 35 किलो लेना है। और किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी की हम बात कर लें 70 से 80 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और किसान भाइयों, आप इस समय जो बैड विधि होती है उसी बैड विधि से ही लौकी के खेती करें ताकि जब आपको लंबी इनकम लेनी है तो, नहीं तो बरसात के समय जो आएगी जिसके कारण आपको खेत में पानी लग जाएगा और पौधा सूख जाएगा। यदि बैड विधि से रहेगा तो पानी आसानी से निकल सकता है, आपका पौधा बच सकता है, आप इनकम ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।